दोस्तों भारत में नाग नागिन को बहुत ही पवित्र व देव तुल्य माना जाता है। इसी वजह से यहाँ इनके कई मंदिर स्थापित किए गए हैं। भारत में बहुत सी धार्मिक फिल्में भी नाग नागिन पर बनाई गई हैं। लेकिन नाग नागिन का एक मंदिर ऐसा भी है जो फिल्मों की कहानियों को भी पीछे छोड़ देगा। आइए जानते हैं इस मंदिर की कहानी क्या है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर के पास एक ऐसा मंदिर है जो नाग नागिन के प्रेम की मिसाल है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ही आकर इन नाग नागिन की जोड़ी की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि वर्ष 2015 में एक दिन ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट नगर के गेट नंबर 1 के पास नाग नागिन का एक जोड़ा रोड पार कर रहा था, तभी एक ट्रक की चपेट में आकर नाग की मौत हो गई। उस नाग की मृत्यु के बाद नागिन ने उसी के पास ही अपना डेरा जमा लिया, जिससे कि उस रोड पर बहुत लंबा जाम लग गया। तब उस नागिन को वहां से हटाने के लिए सांप पकड़ने वाले को बुलाया गया, जिसने उस नागिन को वहां से हटाकर जंगल में छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद अगले दिन उस नागिन ने उसी स्थान पर जहां नाग की मृत्यु हुई थी आकर अपने प्राण त्याग दिए। अपने प्रेमी नाग के वियोग में दम तोड़ने के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा पूर्ण विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनके शरीर को ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया गया। इन दोनों के प्रेम को देखकर व इससे प्रभावित होकर स्थानीय लोगों ने वहां एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें नाग नागिन की मूर्ति स्थापित कर दी। इस स्थान पर हर वर्ष नाग पंचमी के दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होते हैं और इस नाग नागिन के मंदिर के दर्शन करते हैं।